जिन लोगों का जन्मदिन 5 अगस्त को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में जीवन की तमाम मुश्किलें दूर होंगी, धन की स्थितियों में आपके सुधार होगा, पारिवारिक और रिश्तों की समस्या आपकी हल होगी, लेकिन इस साल दुर्घटनाओं से और चोट चपेट से आपको सावधान रहना होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपके लिए वर्ष बहुत बेहतर होगा। आज की जिज्ञासा है, ज्यादातर लोग ये पूछना चाहते हैं कि क्या शिव जी की पूजा रात में भी कर सकते हैं, रात में भी शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं। देखिए, शिव जी की पूजा किसी भी समय की जा सकती है। सामान्यतः शिव जी के मंदिर के पट बंद नहीं होते, ग्रहण काल में भी शिवलिंग की पूजा चलती रहती है, क्योंकि वो भगवान शिव का निराकार स्वरूप है। तो भगवान शिव की पूजा किसी भी समय की जा सकती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मध्य रात्रि में 11 बजे से 1 बजे के बीच अगर आप भगवान शिव की पूजा करें तो ऐसा करना सबसे ज्यादा उत्तम होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि इस साल तो प्रमोशन जरूर होगा, लेकिन प्रमोशन नहीं होता, बार बार प्रमोशन होते होते रुक जाता है। क्या उपाय करें? रोज सवेरे पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करिए। जल अर्पित करने के बाद वहीं पर खड़े होके या बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जप करिए, और ये तो रोज करिए, और हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। अगर आप ऐसा करना शुरू करें और प्रमोशन का समय आ गया हो तो आपका प्रमोशन अवश्य होगा। अगर आप सावन के महीने में नियमित रूप से माता लक्ष्मी को बेलपत्र अर्पित करें, जी हाँ, माता लक्ष्मी को अगर आप सावन में नियमित रूप से बेलपत्र अर्पित करें तो आपकी धन संबंधी समस्या आसानी से हल हो जाएगी। बेलपत्र के पत्ते शिव जी को अर्पित करने से पापों का नाश होता है और माता लक्ष्मी को अर्पित करने से धन की प्राप्ति होती है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।